And what do you think about India? कुछ कुछ होता है। और जब घर आप देख रहे हैं, ये घर 200 साल पुराना है। Oh wow! How old are you now? आपने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा होगा, मैं बाकू एयरपोर्ट से सिटी सेंटर आके अपने होस्ट के घर की तलाश कर रहा था और मुझे मिल जाती हैं दो लड़कियां और करती हैं मेरी मदद। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट, नाइस टू सी यू। क्या फांगे इसके निशान? नो इंग्लिश। उसकी फरमाइश। हाँ दे कह रहे मेरा घर यहाँ पास में ही था, फिर भी वहां रुके हो। ताला लगा के आए थे, अकेले रहते थे अपने घर में क्या? अभी ताला वाला खोल रहे अपने घर का। हाँ थैंक यू। ओह पेंटिंग पेंटिंग पेंटिंग। या थैंक यू। आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि अजरबैजान में ये मेरे होस्ट कैसे बने, तो इनसे मेरी मुलाकात हुई है यूरी जी के थ्रू। यूरी जो कि रहते हैं अल्माटी कजाकिस्तान में, जिनके घर मैं रुका था। अगर आपको याद हो, आप इनका घर देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। ये छोटा सा गेट और साइड में जो पेंटिंग्स वगैरह रखी हैं, वाओ यार। कनेक्शन कहाँ से कहाँ बिल्ड नहीं होता है। यूरी के साथ अल्माटी में रहा, यूरी के फ्रेंड के साथ यहाँ अजरबैजान में कोल्ड ड्रिंक पी रहा। चीयर्स। मैंने एज अ प्रेजेंट कुछ करेंसी देना चाहता हूँ उनके फ्रिज पे। मैं अलग अलग कंट्रीज की मैग्नेट देख रहा हूँ, इवन ताज महल भी है इंडिया का। सोम प्रेजेंट हो उज़्बेकिस्तान। सोम पहले मुझे लग रहा था नामिक भाई साहब का ये घर है, बट ये इनका आर्ट स्टूडियो है और ये खुद एक बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं। इनका आर्ट स्टूडियो भी किसी घर से कम नहीं है। यूरी जी भी हैं वीडियो कॉल पर और साथ साथ नामिक भाई साहब हमें करा रहे हैं अपने स्टूडियो का छोटा सा टूर। ब्यूटीफुल सी आर्ट जंगल ये दिखा रहे हैं। ये रिसेंटली इनका प्रोजेक्ट चल रहा है नागोर्नो काराबाख में। ये जगह शुरू से विवाद वाली रही है, अभी आगे वीडियो में आपको बताते हैं क्या है सिस्टम वहाँ का। A few moments later. तो अभी 3:18 हो रहे हैं, 3:15। शॉवर वगैरह ले लिया है अच्छे से और अंकल जी चाय बना रहे हैं बेहतरीन सी। शायद चाय या कॉफ़ी पता नहीं, मुझसे दोनों चीज़ें पूछी थी, ग्रीन टी चाय या कॉफ़ी। मैंने कहा वॉट एवर, अब ऐसे इंग्लिश तो आती है नहीं अंकल को, जो भी आएगा बढ़िया ही है यार। क्या फ़र्क पड़ता है। नागोर्नो काराबाख जहाँ अंकल जी का भी प्रोजेक्ट चल रहा है, ये ज्योग्राफिकली तो अजरबैजान के अंडर में आता है, लेकिन अर्मीनिया भी क्लेम करता है कि ये जगह उसकी है। काफ़ी समय से अर्मीनिया और अजरबैजान के बीच जंग होती हुई आई है। जो आखिरी जंग अभी रिसेंटली हुई थी उसमें अजरबैजान की जीत हुई और जो नागोर्नो काराबाख का रीजन है वो अजरबैजान के अंडर में आ गया है। और अभी इस जगह का ब्यूटिफिकेशन चल रहा है और अंकल जी का प्रोजेक्ट यहाँ पर चल रहा है। फॉरेनर्स तो बिल्कुल भी कदम भी नहीं रख सकते इस एरिया में, और लोकल्स को जाने के लिए भी स्पेशल परमिशन चाहिए होती है नागोर्नो काराबाख में। चप्पल दी है पहनने के लिए, आपको अंदाजा तो हो गया होगा अंकल जी कितने बड़े आर्टिस्ट हैं। इनके घर में इतनी सारी पेंटिंग्स आपने दिखी, तो अभी अपने फोन में कुछ अपना आर्ट वर्क दिखा रहे हैं। तो जी मैं हूँ अभी अजरबैजान बाकू शहर में, बाकू शहर के भी पुराने ओल्ड टाउन में मैं हूँ अभी, मतलब ओल्ड सिटी। आप ओल्ड सिटी बाकू आप कह सकते हो। तो आप ये देख रहे हो ना कितना शानदार कैटल है। तो कजाकिस्तान उज़्बेकिस्तान में तो प्याले में चाय पीते थे, लेकिन यहाँ थोड़ा ये कप्स वगैरह का यूज करते हैं और ये कैटल तो काफी यूनिक है। और जब घर आप देख रहे हैं, ये घर 200 साल पुराना है जिस घर में मैं हूँ अभी। वाह अलग ही मतलब फील आ रही है। और ये कुछ यहाँ की टॉफीज कैंडी वगैरह रखी हुई है, और ये पता नहीं क्या है यहाँ पर, इसको खा के देखता हूँ मीठा है कैसा। मीठा, थोड़े बड़े बिस्किट्स होते हैं इनके। जब मैं चाय में नींबू निचोड़ने लग रहा था तो अंकल जी मुझे मना करने लगे, कह रहे कि रुक जाओ। नींबू
नींबू डाल लेते हैं चाय में, निचोड़ेंगे नहीं, ऐसे डाल देंगे आराम आराम से ताकि स्वाद इसका बनता रहे और मजा आता रहे। ये इनकी स्टूडेंट्स हैं जो कि आर्ट सीखने आती हैं इनसे, तो ये आई हुई हैं अभी आर्ट सीखने के लिए। अंकल जी काफ़ी बड़े आर्टिस्ट हैं, उनकी स्टूडेंट यहाँ पर आई हुई हैं, इनके अंडर में ही काम करती हैं। जो अंकल जी आसपास के छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स लेते हैं तो अपने सारे स्टूडेंट से ही करवाते हैं, तो ये यहाँ पर आई हैं कुछ काम समझने के लिए और कुछ सामान भी लेने के लिए। गोल्ड इमिटेशन इमिटेशन पता नहीं इमिटेशन बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या है। जारा भी अपने काम की पेशकश मुझे यहाँ पर दिखा रही हैं। ये जो आप गोल्ड देख रहे हैं बेसिकली वही गोल्ड के पत्ते हैं जो इस तरीके से ये लोग यूज़ करते हैं और लोग घरों में लगाते हैं। तो अंकल जी हैं इनके मेन मास्टर जारा, और भी स्टूडेंट्स हैं जारा के अलावा जो कि अंकल से काम लेते हैं। अंकल जी पूरा काम उठा लेते हैं किसी के घर का या कहीं का भी, फिर आगे पास करते हैं अपने स्टूडेंट्स को। अब ये लोग जाके घरों में अपना काम इस तरीके से करते हैं। जारा भी काफी मेहनत करके आ रही है, उनके बालों पर और कपड़ों पर भी गोल्ड वाली चमकीली लगी हुई है और मुझसे कह रही है कि बस काम करते करते ये हो जाता है। And like since how long you have been learning art? Art learning many months or year? Very good. Oh, you didn't understand, I guess. I have to translate for. One moment. Since how long you have been learning art? Childhood? Oh wow. How old are you now? Twenty-five. But you don't look like 25, I guess. Thank you. मैं चाय पहले ही पी बैठा हूँ। तो देखते ही देखते यहाँ पर एक और आ रहे हैं। You have business tea? No, thanks. I already have. Not thanks. I have water. Water. मैंने अभी जस्ट छींक मारी है और छींक मारने पे इन्होंने शायद कुछ लिखा है। इन्होंने लिखा है ब्लेस यू। सेम है भाई, हमारे यहाँ भी बोल देते हैं ब्लेस यू। सारे आर्टिस्ट यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं और मैं ही एक अनाड़ी बैठा हूँ। अब अंकल जी डेलिया के फ़ोन से आर्ट दिखा रहे हैं कि वो कैसे कैसे आर्ट करती हैं और कौन कौन सी करती हैं। जारा, इनका नाम जारा है और डेलिया मतलब ये दोनों आर्टिस्ट हैं। ये पेंटर हैं इंटीरियर डिज़ाइन की और ये कुछ आर्ट वगैरह करती हैं। हम बात करने वाले हैं चाय की, क्योंकि मैं जहाँ भी जाता हूँ मतलब अलग अलग कल्चर देखने को मिलते हैं चाय के, और यहाँ भी कुछ अलग कल्चर मुझे देखने को मिला। कैन यू डू दैट? हियर इज अ बबल लिटल राउंड ओवर। यस हां, फ्रॉम दिस ओके मैंने भी शेयर दिस। आई कैन ओके, सो व्हाई यू डिड लाइक दिस? व्हाई? बिकॉज़ व्हेन यू डू इट यू ड्रिंक, आई थिंक यू ड्रिंक वेरी गुड मनी. Well, money. We drink money. So what you did, like, what did you saw? Big money. तो इनका कहना कुछ इस तरीके से है कि ये bubbles वगैरह जब देखते हैं ना चाय में तो ऐसे कर लेते हैं. How many times you do? Oh no, if he have little. Okay, that's why. Okay, money will come. तो अगर bubbles ऐसे करेंगे चाय के जो bubbles तो उससे पैसा आएगा, तो ये इनका culture है अभी. अलग अलग उज़्बेकिस्तान में तो तीन बार ऐसे से करते हैं। उज़्बेकिस्तान they do like this three times, like this, like this, like this. Okay, thank you. Oh, okay. Yeah. Bana çok kadar başıma çekmişim, kendi bir şey gelmiyor. Sen de kim çekti hem de? Can you show? ये देखो इनको मैंने दिया है 200 सोम का सिक्का, अभी इन्हें पता नहीं है 200 सोम की वैल्यू कितनी है। और इनके पास इनको दिया है मैंने एक दिरहम, मतलब हो गए 20 रुपए, और इनको दिए हैं मैंने, मिले हैं 10 पैसे अपने इंडिया के हिसाब से। मैं सोच रहा था कि यार ये दोनों बच्चियां पढ़ने के लिए आई हैं तो कहीं मैं यहाँ बैठा हुआ इनको डिस्टर्बेंस ना हो शायद पढ़ाई में, तो मैंने पूछा इनसे तो अंकल जी तो कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, बाकी
इन्होंने ये कुछ लिख रही हैं, ये भी बताएंगी कि ये क्या कहना चाहती हैं। शायद अभी एक मैसेज तो उन्होंने ऑलरेडी लिखा है, प्लीज टू हैव यू हियर। ये कुछ मैसेज इन्होंने लिखा है यहाँ पर, व्हेन वी हैव अ जॉब वी वर्क इन फैसिलिटीज एंड वी डोंट वी गैदर हियर एंड डिस्कस आर्ट। अच्छा ठीक है, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ, मैं सोच रहा था कहीं डिस्टर्ब ना हो रहे हो। Dance, music, Shahrukh Khan. I sing only Shahrukh Khan. I love Fanat. Me too. No, first of all, she will tell. Yeah, you mean this is something that What do you think about India? Mahana dance. I love India. But... Сейчас скажу в переводе, подожди. Украшения, ткани, ручной работы, потому что они не повторяли там, смотря индийские фильмы. ज़ारा इंडियन हैंडमेड फैब्रिक और ज्वेलरी काफ़ी ज़्यादा पसंद करती हैं। सोवियत यूनियन का हिस्सा अज़रबैजान भी रहा है, तो अज़रबैजान में भी काफ़ी ज़्यादा इंडियन सिनेमा और इंडियन गानों का प्रचलन था, और ये कह रही हैं कि वही सब देख के ये बड़ी हुई हैं, तो इन्हें काफ़ी पसंद है हमारा म्यूज़िक ड्रामा। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इंडिया? कुछ कुछ होता है। क्या क्या होता है? मैं तुमसे प्यार करती हूँ, I know, I yes, and I love the Indian music, dance, films, Shahrukh Fanat, I am Shahrukh Fanat. Shahrukh Khan fan. Yeah, Shahrukh Khan fanat, yes, and don't know. What she's tell? Same. Same, yes. Okay. And Indian art, I love. Indian art. Yes. Yeah, be because you being an artist. Yes. Yeah, man. Yes. They said tomorrow the weather would be little cool, maybe. हाँ, cold tomorrow. तो भाई इन दोनों, इन्हें तो गर्मी लग रही है आज, मतलब मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं तो उज़्बेकिस्तान से आया हूँ, मतलब आबू धाबी में तो क्या बताऊँ, इतनी गर्मी थी, यहाँ कितनी राहत मुझे मिली है। और इन्हें यहाँ पर गर्मी लग रही है, कह रही कल शायद ठंडक हो यहाँ पर, देखते हैं। अभी ये जा रही हैं, इन्हें कुछ जल्दी कहीं जाना है, कुछ प्लान्स हैं इनके। ओके बाय बाय, सी यू। इनका भी जाने का टाइम हो गया, सो बाय बाय ज़ारा, राइट? यस। ओके बाय बाय। हाउ टू से बाय इन रशियन लैंग्वेज? अज़रबैजान सोवियत संघ का हिस्सा रह चुका है, तो इसलिए काफ़ी लोगों को रशियन यहाँ पर आती है। मैंने इनसे पूछा है कि बाय बाय को रशियन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, कुछ और समझ बैठी। अभी जो बाहर निकले हैं, अभी देख रहे हो आप, अभी भी ऐसा लग रहा है कि रात हुई नहीं है कम्प्लीटली, और टाइम इस समय 9 बजने को आ गए। यहाँ भी मतलब वही अपना कजाकिस्तान उज़्बेकिस्तान जैसा सिस्टम है, ये पूरा ओल्ड टाउन है यहाँ पर। और खीरे और टमाटर का सैलेड रेडी है, और ये पॉट आप देख रहे हैं, इसमें चम्मच फॉक और साथ में इसके अंदर हैं ब्रेड्स। कजाकिस्तान उज़्बेकिस्तान में काफ़ी टाइम से मैं एक जैसी ब्रेड्स खा रहा था, यहाँ कुछ डिफरेंट ब्रेड्स देखने को मिली हैं अज़रबैजान में। ये जूस है, पहले तो मुझे लगा बियर है, इसका मुझे टेस्ट कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन आप ट्राई ज़रूर कर सकते हैं, अच्छा है। अभी मैं खा रहा हूँ नेशनल डिश, इस डिश को बोलते हैं पिती। इसमें आलू बड़ा सा पीस आप देख रहे हैं, चने हैं, और ये है लैम मटन। मटन के अंदर चावलों को इन्फ्यूज़ करा जाता है, काफ़ी बढ़िया इसका टेस्ट है, लाइट मसाले, अच्छा लग रहा है एकदम। ये डिश मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी, इसको बोलते हैं डोलमा। ये भी है अज़रबैजान की नेशनल डिश, इसे ईरान, तुर्की, इजिप्ट और आर्मेनिया में भी खाया जाता है। इस डिश को देख के मुझे अपनी चाची के हाथ के पतौड़े याद आ गए। इस डोलमा डिश को बनाने के लिए चावलों को मटन कीमा के साथ मिलाया जाता है, फिर ऊपर से अंगूर के पत्तों की रोल करी जाती है, और खाया जाता है दही के साथ। अमेजिंग। फाइनली 2 दिन के बाद आज मुझे बिस्तर मिला है। अंकल जी के एक स्टूडियो रूम में काउच पड़ा है, काउच को सीधा कर दिया गया और बना दिया गया है मेरा बेड। अंकल जी चले गए हैं अपने घर, ये बेसिकली उनका स्टूडियो है। आप कर लेते हैं जी आराम, टाइम आ गया है आपसे मिलाने का हाथ, और मिलते हैं कल नए व्लॉग के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।